मखसूस नशस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी कमीशन समात कर रहा है। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने दानिस्ता ताखीर की है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, इंतखाबी निशान वापस लेने से मखसूस नशस्तें मुतासर नहीं होंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त के जायजे के लिए 3 इजलास किए। आपके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में माना, मखसूस नशस्तें नहीं मिली। मखसूस नशस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समात, तफसीलात जान लेते हैं फहीम अख्तर से। फहीम अख्तर, इस समात का अहवाल दीजिए। देखें, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तें के अलाटमेंट का मामला है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त जो समात है वो चल रही है, जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कर रहे हैं। इस समात में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM समेत जो दीगर पार्लिमानी से बातें हैं, उनके जो वकला हैं वो ठीक हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील हैं बैरिस्टर अली जफर, वो दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 4 दरखास्तें दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दानिशा तौर पर हमारी दरखास्तों को जो है वो ताखीर का शिकार किया, और जो बाकी जब दरखास्तें आई तो फिर उनको दरखास्तों को पहले टेकअप कर लिया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने ये वक्फ इख्तियार किया था कि अगर इंतखाबी निशान हमसे छीना गया तो इससे मखसूस नशस्तें भी मुतासर होंगी, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि ये मुतासर नहीं होंगी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसके ऊपर कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये सब मौजूद है, तो अली जफर की जानब से कहा गया कि ऐसा कुछ मौजूद नहीं है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कोई दानिशा ताखीर नहीं की गई, 3 मुख्तलिफ इजलास बुलाए गए हैं और इजलास के बाद जो है वो समाप्त करने का फैसला किया गया है। अली जफर की जानब से कहा गया कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर मौजूद है और उसके पास इंतखाबी निशान भी मौजूद है, इसलिए उनको इंतखाबी निशान होने के ऊपर जो पार्टी के तौर पर रखा गया है, इसलिए हमारे जो आजाद अरकान हैं वो इस बात में शामिल हुए और इलेक्शन कमीशन मखसूस नशस्तों के ऊपर जो है वो इसका नोटिफिकेशन जारी करे। इस वक्त समाज चल रही है और अली जफर के दलाइल जारी है। ठीक है फहीम अख्तर, आपका शुक्रिया।